ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में बुधवार से शुरू हुआ यूपी अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वरदान साबित हो रहा है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच मिलने से ये एंटरप्रेन्योर्स न केवल उत्साहित हैं, बल्कि योगी सरकार द्वारा कारोबार को बढ़ाने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म देने और प्रोत्साहन से भी काफी खुश हैं। ऐसे में उनका कहना है कि इतने बड़े मंच पर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां उनके उत्पादों को न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर से आने वाले बॉयर्स से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो कि उनके कारोबार को बढ़ाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड शो युवा उद्यमियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शो के एक्सपोर्ट पवेलियन में आए लगभग 400 एक्सपोर्टर्स में 277 नए एक्सपोर्टर्स हैं। इनमें अधिकांश एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 साल पहले ही अपना कारोबार शुरू किया है। इस प्रदर्शनी में उनके उत्पादों को काफी पसंद किया जा रहा है और बायर्स उनके उत्पादों की खरीदारी में काफी रुचि भी दिखा रहे हैं। टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए, उसकी डिजाइनिंग के लिए, उसकी पैकेजिंग के लिए हम लोगों ने जिस अभियान को आगे बढ़ाया, वही आज देश के अंदर ODOP के रूप में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में देश के अंदर दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। और आज इसने उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये उभरा है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को COVID-19 से जूझ रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जो कारीगर, जो श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों में कर रहे थे, उनके सामने भीषण आजीविका का संकट खड़ा हुआ था। पूरे देश की चिंता थी कि इन लोगों का क्या होगा, लेकिन मैं निश्चिंत था। मैंने कहा यूपी में इतना पोटेंशियल है, ये 40 लाख नहीं बल्कि 4 करोड़ भी आएंगे, यूपी इन सबको अपने यहां जगह देगा, क्योंकि ये यूपी के हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वे 40 लाख जो भी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर आए थे, हम लोगों ने यूपी में एंटर करते ही उनकी स्किल मैपिंग करवाई थी, और स्किल मैपिंग कराने के साथ एक एक जनपद को हम लोगों ने पूरी स्किल मैपिंग के पूरे डाटा उपलब्ध करवाने के साथ ही उन्हें वहां पे संबंधित यूनिट में कार्य करने के लिए भी एक ऑफर उन्हें उपलब्ध करवाया। परिणाम था कहीं भी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, बल्कि उन लोगों ने आकर के उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक बूस्ट दिया। और उत्तर प्रदेश आज, यही कारण है कि न केवल प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान में उत्तर प्रदेश भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ करके आज ग्रोथ इंजन के रूप में दिखाई दे रहा है।